दोस्तों यदि आपके भी इंस्टाग्राम रील्स पे 10 से 20 व्यूज आते हैं, मतलब कि आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर रील्स अपलोड करते हो, डेली रील्स अपलोड करते हो, लेकिन आपके रील्स पे 10 से 20 व्यूज आते हैं, देन उसके बाद व्यूज आना रुक जाता है, तो फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करने का कोई ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल सेटिंग होता है ना, उसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते तो हैं, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के साथ साथ प्रोफेशनल सेटिंग जो होता है वो नहीं करते, डायरेक्ट रील्स पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। यदि आप डायरेक्ट रील्स पोस्ट करना स्टार्ट करिएगा तो आपका रील्स वायरल नहीं होगा, आपके रील्स पे व्यूज नहीं जाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ प्रोफेशनल सेटिंग्स होते हैं, उसको पहले आपको करना पड़ेगा। यदि उन सभी सेटिंग्स को आप कर लेते हैं तो आपका रेगुलर व्यू 6000 से 7000 तो रहेगा ही रहेगा, आपका जो वीडियो है वो लाखों में और मिलियंस में भी व्यूज लेके आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल सेटिंग है, इस तरह के कुल 10 से भी ज्यादा सेटिंग्स को बताने वाले, जिसको यदि आप अपने आईडी पे ऑन कर लेते हो तो आपका हर एक वीडियो वायरल होगा, हर एक वीडियो में लाखों में और मिलियंस में व्यूज आएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एक एक करके 10 से भी ज्यादा सेटिंग्स आपको यहां पे बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप सब यहां पे देख सकते हो, आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा जो कि हमारा ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसमें देखिए आपको सिर्फ 60 पोस्ट ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें रील्स मुश्किल से 20 से 25 ही होगा। अब हम आपको सिंपली यहां पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो रेगुलर व्यू है ना, आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे 2500, 2200, उसके बाद 2000, 12000, ये हमारा रेगुलर व्यू है। बहुत से वीडियो ऐसे है जिसमें 25000, 30000, 40000 भी व्यूज है। और यहां पे देख सकते हैं आज जो हमने वीडियो सुबह में अपलोड किया था उसमें देख सकते हैं अभी तक 12500 व्यूज आ चुके हैं, और आगे भी इसमें बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने आईडी पे 10 से भी ज्यादा प्रोफेशनल सेटिंग्स को ऑन कर रखा है। तो चलिए एक एक करके आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे जो कौन से सेटिंग्स को आपको ऑन करना है और कौन से सेटिंग्स को ऑफ रहने देना है। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताते जा रहे हैं एज इट वैसे आपको करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करके यहां पे जो 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहां पे आपको जितने भी सेटिंग्स बताएंगे ना, 10 से भी ज्यादा सेटिंग्स बताएंगे, उस सभी सेटिंग्स को आप यदि कर लेते हो तो 100% आप यकीन मानो आपका हर एक रील्स वायरल होगा, हर एक रील्स में लाखों में और मिलियंस में व्यूज आएंगे। आपका रेगुलर व्यू 10 से 12000 तो रहेगा ही रहेगा, लाखों और मिलियंस में भी व्यूज आएंगे। तो यहां पे देखो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहला जो हमारा सेटिंग होने वाला है, ये क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्रांडेड कंटेंट का। आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे क्लिक करके और इसको यहां पे जो ये ऑप्शन है ना, इसको यहां से ऑन कर देना। यदि ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने से क्या होगा, आप जो रील्स पोस्ट करिएगा ना वो ब्रांडेड कंटेंट के अंतर्गत आएगा, और इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपके उस रील्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास प्रमोट करेगा, मतलब कि उस रील्स पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। तो इसलिए इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे सेटिंग्स की बात कर ले, तो आपको दूसरे सेटिंग्स में यहां पे देख सकते हैं अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको आपको हमेशा पब्लिक ही रखना है। देन पब्लिक रखने के बाद उसके बाद तीसरा सेटिंग्स की बात करें तो यहां पे आपको क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए रिकमेंडेड ऑन फेसबुक है ना हमारे में, ऐसे ही आपको भी करना है। तो ये कहां से होगा, देखिए इसको ऑफ करके देन एक बार हम ऑन करके आपको बताते हैं। यहां पे सिंपली क्रॉस पोस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, देन यहां पे देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे आपको क्लिक करके ऑन कर लेना है। यदि आप में यहां पे ऐसे नहीं दिखा रहा है, कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना, तब आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको इनेबल कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप में भी कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद चलिए चौथे सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो आपको चौथे सेटिंग में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैग एंड मेंशंस का। आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हु कैन टैग यू, मतलब कि कौन आपको अपने पोस्ट में टैग कर सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, अलाउ टैग्स फ्रॉम पीपल यू फॉलो वाले ऑप्शन पे रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी क्या होता है, बहुत से लोग आपको ना सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर कोई खून खराब वाला वीडियो में टैग कर देता है, और वो वीडियो यदि आपके प्रोफाइल पे दिखाई देगा तो क्या करेगा इंस्टाग्राम, आपकी आईडी का रीच कमा देगा, आपके आईडी को टैग डाउन कर देगा। तो इसीलिए आपको यहां पे ये वाले ऑप्शन पे रखना है, ताकि कोई यदि आपको टैग वगैरह भी करे ना, तो जिसको
आपने फॉलो कर रखा है, जो अच्छा आदमी है वही आपको अपने पोस्ट में टैग कर पाए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हाउ यू मैनेज टैग्स, तो इसको आपको क्या करना है, मैनुअली अप्रूव टैग्स वाले ऑप्शन को अलाउ करके रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आपको कोई टैग वगैरह करेगा भी किसी पोस्ट में तो वहां पे आपका अप्रूवल मांगा जाएगा। यदि आप अप्रूव कर दोगे तभी उसका जो पोस्ट रहेगा वो आपके आईडी पे दिखाई देगा। इससे क्या होगा, यदि आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वाला वीडियो या फिर न्यूडिटी वाला वीडियो या फिर खून खराब वाला वीडियो में टैग करता है तो आपका अप्रूवल वहां पे मांगेगा और आप देखोगे जो कुछ उस तरह का वीडियो है तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे तो वो आपके आईडी पे नहीं दिखाई देगा। इससे क्या होगा, आपकी आईडी का रीच कम होने से बच जाएगा और आपका वीडियो तेजी से वायरल होगा। उसके बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलाउ पीपल टू बूस्ट स्टोरी दी मेंशन इन, मतलब कि इसको अलाउ करके रखना। इससे क्या होगा, जो रील्स आप पोस्ट करिएगा ना उस रील्स को आपका जो फ्रेंड होगा या फिर फॉलोअर होगा वो अपने स्टोरी पे लगा के आपके रील्स को प्रमोट कर सकेगा, तो इसलिए इसको अलाउ रखिएगा। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अलाउ पीपल टू बूस्ट स्टोरी एंड रीशेयर योर कंटेंट एंड मेंशन यू, इसका मतलब ये हुआ जो आप जो रील्स वगैरह पोस्ट करोगे उस रील्स पे किसी को कोई मेंशन कर सकेगा, उसको रिपोस्ट कर सकेगा, इससे आपके ही वीडियो का रीच बढ़ेगा, आपके ही वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। तो यहां से इस सभी सेटिंग्स को आपको ऑन कर लेना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम पांचवें सेटिंग की बात करते हैं, तो यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कमेंट्स का। आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि वीडियो को वायरल करने में कमेंट्स का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि यदि आप वीडियो पोस्ट करते हैं उस पर अच्छा अच्छा कमेंट आता है ना तो इंस्टाग्राम उस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि उस वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट रहता है, अच्छा अच्छा कमेंट रहता है, तो इसीलिए इंस्टाग्राम जो है उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करेगा। तो इसलिए आपको अलाउ गिफ्ट कमेंट्स वाले ऑप्शन को इसको अलाउ करके रखना है यदि आपको अपने वीडियो को वायरल करना है। तो उसके बाद यहां पे छठे सेटिंग्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे रिमैक्सिंग एंड आपको शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली शेयरिंग एंड रिमैक्सिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस वाले ऑप्शन को अलाउ करके रखना है। ये ऑप्शन क्या है, तो अलाउ पोस्ट एंड रील शेयरिंग टू स्टोरीज, मतलब कि आप जो रील्स पोस्ट करिएगा ना उसको कोई भी अपने स्टोरी में लगा सकेगा, मतलब स्टोरी में लगाएगा देन उसके स्टोरी को जो देखेगा उस रील्स पे अगर क्लिक करेगा तो वहां से आपका रील्स ओपन हो जाएगा और उससे आपका व्यूज बढ़ेगा, तो इसलिए इसको अलाउ करके रखना है। उसके बाद अलाउ स्टोरी शेयरिंग इन मैसेजेस, मतलब कि किसी को जो है मैसेज के द्वारा आपके रील्स को शेयर किया जा सकता है, तो इसलिए इसको भी अलाउ करके रखना है। उसके बाद अलाउ नोट्स ऑन पोस्ट ऑन रील्स, मतलब कि इसको भी अलाउ करके रखना है, नोट्स वगैरह में भी आपके रील्स को कोई लगा सकता है, इससे आपका रील्स वायरल होगा। उसके बाद यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कोलैबोरेशन का, इसको अलाउ करना है, इसको भी अलाउ करना है। यहां पे जितने भी ऑप्शन है ना इस सभी को आपको यहां से अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट पीपल कैन रिमैक्स, तो इस तीनों को आपको क्या करना है, अलाउ करके रखना है। अब इससे क्या फायदा होगा आपको, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें है अलाउ रिमिक्स ऑफ रील्स, मतलब कि आप जो रील्स पोस्ट करिएगा उस पे कुछ इस तरह का रिमैक्सिंग वाला वीडियो बना सकता है कोई, तो रिमैक्सिंग वाला वीडियो बनाएगा तो आपका ही रील्स रहेगा ना, और आपका रील्स रहेगा तो आपका रील्स प्रमोट होगा, प्रमोट होगा तो आपके रील्स पे ज्यादा व्यूज आएंगे, तो इसीलिए इसको अलाउ करके रखना है। अलाउ रिमिक्सिंग ऑफ फीड वीडियोस, तो इसको भी अलाउ करके रखना है, इस पे भी कोई रिमिक्सिंग वगैरह करेगा तो आपका ही वीडियो रहेगा, आपके वीडियो का ही प्रमोशन होगा, आपके वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। उसके बाद अलाउ रिमिक्सिंग ऑफ पोस्ट, इसको भी आपको अलाउ करना है, इस तीनों को अलाउ कर देना है। देन अलाउ करने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने से क्या होगा, कोई आपके रील्स को डाउनलोड करके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे स्टोरी में लगा सकता है, इससे क्या होगा आपके रील्स का ही प्रमोशन होगा, तो इसीलिए आप इसको भी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि आपके रील्स पे आपका आईडी भी दिखाई देगा तो बहुत से लोग व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखेंगे अगर आपके रील्स को तो उससे इंस्टाग्राम पे आके आपके आईडी को सर्च करेंगे, तो इससे आपके आईडी का ही रीच बढ़ेगा, तो इसको भी आप अलाउ करके रख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब सातवें सेटिंग की बात करते हैं, तो आपको सातवें सेटिंग ऑप्शन में यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइक एंड शेयर काउंट, इस सभी ऑप्शन को आपको नहीं देखना, आप सिंपली हमें लाइक एंड शेयर काउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड लाइक एंड शेयर काउंट, इसको आपको क्या करना है इनेबल कर देना। इससे क्या फायदा होगा, तो आप जो रील्स अपलोड करिएगा ना उस पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने लोगों को शेयर किया गया, ये सभी हाइड हो जाएगा, ये दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको ही दिखाई देगा। इससे क्या फायदा होगा, तो दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में रील्स को पोस्ट करिएगा ना तो आपके रील्स पे हो सकता है कम लाइक्स हो, बहुत ही कम शेयर हो, तो यदि क्या होता है बहुत से लोग ऐसा देखते हैं जो किसी रील्स पे बहुत ही कम लाइक्स रहता है तो उस रील्स को लाइक नहीं करते रहते हैं, तो यदि आपका लाइक ही हाइड रहेगा ये पता ही नहीं चलेगा जो कितने लोगों ने इस रील्स को लाइक किया है, तो क्या करेगा जो लोग नहीं भी लाइक करने वाले रहेंगे ना वो भी आपको रील्स को लाइक करेंगे, मतलब कि आपके रील्स पे कितना लाइक्स आया ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि कम लाइक्स वाले रील्स को लोग लाइक नहीं करते रहते हैं, तो इसलिए यहां से इसको इनेबल कर दीजिएगा तो आपके रील्स को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। उसके बाद हम अगले सेटिंग की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि इससे वीडियो के क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वीडियो को वायरल करने में ये बहुत ही ज्यादा रोल इंपोर्टेंट होता है। देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा
लिखेगा डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना, इसको ऑफ ही रहने देना। यदि ये ऑन भी है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। यहां पे जो अपलोड हाई क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, मीडिया अपलोड क्वालिटी के नीचे में अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको आपको इनेबल कर देना। इससे क्या होगा, आप जो रील्स पोस्ट करिएगा ना वो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा, एचडी क्वालिटी में अपलोड होगा, जिससे रील्स का क्वालिटी अच्छा रहेगा, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। और यदि आपका कंटेंट बढ़िया रहेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको व्यूज मिलेगा। तो इसलिए इसको आप इनेबल करके रखिएगा, इसको इनेबल आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे अगले सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा जो आपका जो अकाउंट है वो किस स्टेटस में है, अकाउंट पे कोई इशू वगैरह है या नहीं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अकाउंट स्टेटस का, आपको सिंपली क्या करना है यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यहां पे आपको यूजर नेम अपना देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा तीन ऑप्शन, तीनों में आपका यहां पे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। यदि किसी में भी रेड टिक लगा हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि आपका जो आईडी है वो इंस्टाग्राम पे रिकमेंडेबल नहीं है। तो उसको कैसे सही करना है, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। देखिए आप एक एक करके सभी पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना। तो सबसे पहले रिमूव्ड कंटेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं योर कंटेंट इज नॉट इफेक्टेड एट द मोमेंट, मतलब कि हमारा जो कंटेंट है अभी तक इससे इफेक्टेड नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा जो ये आईडी है वो 100% सही है, इस पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद चलिए हम यहां पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है व्हाट कैन बी रिकमेंडेड, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं योर कंटेंट मे बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन, मतलब कि हमारा कंटेंट जो है वो रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल है, हमारे आईडी पे कोई इशू वगैरह नहीं है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी आईडी पे भी लिखा अगर आ रहा है, मतलब आपका आईडी सेफ है, आपकी आईडी पे कोई इशू नहीं है, मतलब कि आप जो भी वीडियो अपलोड करिएगा वो वायरल होगा, उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। उसके बाद अगले सेटिंग की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा फीचर्स यू कैन नॉट यूज, तो सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए यू कैन यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर्स राइट नाउ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको इंस्टाग्राम ने किसी भी फीचर के लिए बैन नहीं किया, आप इंस्टाग्राम के सभी फीचर को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप रील्स वगैरह अपलोड करिएगा उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रिकमेंड किया जाएगा। तो इस चीज को आपको चेक कर लेना, यदि इस सब में से किसी पे भी रेड टिक लगा हुआ है इसका मतलब आपको अपने आईडी पे ध्यान देने की जरूरत है, आईडी को सही करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सही करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व होगा ये भी आपको बता ही दिए हैं, तो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहां से जो है अकाउंट का स्टेटस पता चल गया। तो दोस्तों यही सब सेटिंग्स था, जो 10 से भी ज्यादा सेटिंग था सभी सेटिंग आपको बताए हैं, एज इट जैसे आपको बताए ना सभी सेटिंग को वैसे ही करिएगा। अगर सभी सेटिंग को आप कर लेते हैं उसके बाद रील्स अपलोड करते हैं तो आपको रेगुलर का 7000 से 10000 तक व्यूज मिलेगा। और कोई कोई वीडियो यदि कंटेंट अच्छा रहेगा, वीडियोस अच्छा रहेगा, वीडियोस में जान रहेगा तो वीडियो लाखों में और मिलियंस में भी व्यूज जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सभी सेटिंग्स को करने के बाद एक बार आईडी को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद सबसे मेन चीज अब बता रहे हैं, यहां पे आपको क्या करना है अपने आईडी को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करके रखना है। यदि आप प्राइवेट अकाउंट रखते हैं तो आपका रील्स वायरल नहीं होगा, ये भी आपको बता ही दिए हैं। आईडी को आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके रखना ही पड़ेगा। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे भी डिटेल्स वीडियो लाएंगे जो कैसे प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया जाता है और क्या क्या सेटिंग को किया जाता है। यदि आपका प्रोफेशनल मोड में कन्वर्टेड है तो आपको सिंपली प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट का रीच एंगेजमेंट वगैरह यहां से चेक कर सकते हैं, तो इस सभी को एक बार चेक कर लीजिएगा। यहां से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रांडेड कंटेंट का, तो इसको आप इनेबल कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में भी बताए थे तो इसको इनेबल रखना है। तो देख सकते हैं ये इनेबल है हमारा, यदि आप में इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लीजिएगा। यदि ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे जो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पे जो है गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये आप में अगर नहीं आ रहा है तो इसको कैसे ला सकते हैं, कैसे ये गिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, दोनों वीडियो आपको इंडिया स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जितना भी इंस्टाग्राम का सेटिंग था ना वो सभी आपको बता दिए हैं, आपको एज इट इस सभी सेटिंग्स को कर लेना है। यदि इस सभी सेटिंग्स को आप कर लेते हैं तो आपका सब वीडियो वायरल होगा, सब वीडियो में लाखों में और मिलियंस में व्यूज आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से हेल्प मिली हो, सेटिंग वगैरह यदि करने में आपको आसानी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और इस सभी प्रोसेस में कहीं भी कोई सा भी दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इसी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, यहां पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।